और खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर ऑपरेशन धरपकड़ के तहत 12 घंटे के अंदर पुलिस ने 23 वारंटियों को किया गिरफ्तार। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के द्वारा वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु ऑपरेशन धरपकड़ का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें श्रावस्ती पुलिस के द्वारा 12 घंटे के अंदर 23 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया। भिनगा पुलिस ने 3, गिलोला पुलिस ने 3, सेसिया पुलिस ने 5, इकौना पुलिस ने 3, मल्हीपुर पुलिस ने 7, सोनवा पुलिस ने 1 तथा नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती से 1 वारंटी को गिरफ्तार किया गया। सबसे ज़्यादा मल्हीपुर पुलिस ने वारंटियों को गिरफ्तार किया, जिनमें 7 लोग हैं, जिसमें जैनुल पुत्र अब्दुल, जामित पुत्र अब्दुल, देवतादीन पुत्र सेवक, रंगीलाल वर्मा पुत्र भुसैली, रमेश कुमार पुत्र पोदर, मंटू पुत्र भूलन, टिम्पल पुत्र फेरी आदि शामिल हैं। वहीं इसके अलावा सोनवा पुलिस ने हसन पुत्र मुनसाद तथा नवीन मॉडर्न थाना श्रावस्ती से 1 व इकौना पुलिस ने मोहम्मद शफी पुत्र नस्तर, बाबू मौर्या पुत्र सुकई, शिवराज पुत्र राजमन नामक वारंटी को गिरफ्तार किया, जबकि सेसिया पुलिस ने लतीम पुत्र ढोंढे, उमाशंकर पुत्र श्यामलाल, राम प्रताप पुत्र विश्राम, रमजान पुत्र अब्दुल, बरकऊ पुत्र जाबिद को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के दिशा निर्देश में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में 12 घंटे के अंदर 23 वारंटियों को गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया। इन वारंटियों में छेड़खानी, मारपीट, आर्म्स एक्ट, आबकारी, धोखाधड़ी, चोरी, वन अधिनियम जैसे मामलों के शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से ये बड़ी खबर, जहां पर पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के दिशा निर्देश पर श्रावस्ती पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों से 12 घंटे के अंदर 23 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।